में दर्द है, मैं खा लूंगी अभी ये अपने आप तो मुंह में जाएंगे, कंप्यूटराइज है नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहा है 9, मतलब बजने वाले हैं, बजे नहीं है। तो अभी देख दिखाती हूँ मैं आपको क्या करेंगे। गाइस यहाँ पे न्यूज पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है। मर्यादा और नेंतरा ही नहीं साल है, पिछले 2 साल से बीजेपी। तो सेब खा लो, हंसते नहीं, सेब खा लो। सेब ना अच्छा होता है। मम्मा बोल रही, मम्मा यहाँ पे झाड़ू लगा रही। सही, बहुत अजीब लग रही है, तुम बता रहे। देखो गाइस, यहाँ ना नानी जी का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके ना यहाँ पे क्या बोलते हैं मम्मा इसे, बेस मेकर कुछ था ये, यहाँ पे ये लगाए, तेरा पता चल रहा है यहाँ पे। चलो खा लो, एप्पल खा लो। अरे ये मैं नहीं खाती, मैं बताने में तो मजा नहीं लगता। बढ़िया लगते हैं एप्पल। मैं खा के खा लूंगी। नमक है उसमें, साढ़े 11 हो चुके हैं और न्यू ब्लॉग अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो डेली 11 बजे मैं अपलोड करती हूँ न्यू ब्लॉग, ठीक है। तो ये टाइम है प्रॉपर, तो 11 से 11:10 भी हो जाते हैं, 11:15 भी हो जाते हैं, बट अपलोड हो जाता है 11:30 से पहले। और यहाँ पे रानी जी एप्पल खा रही है, बट वो खाना नहीं चाह रही है, बट हम उन्हें फिर भी खिला रहे हैं। अच्छा होता है एप्पल खाने, पता नहीं क्यों नहीं खाते एप्पल लोग, मुझे तो बहुत सही लगता है, छीलना नहीं पड़ता। नानी जी तो छील के खाती है, धो और खा लो बटैक से। मुझे सारे फ्रूट्स वो अच्छे लगते हैं जो छीलने काटने नहीं पड़ते। चलो गाइस देखो, हमारी मम्मी कितनी देर में खाती है, देखो ये अपने देखेंगे इसको, पहले इसका एक्सरे करेंगे, मुंह देखो कैसा बना रही है। मीठा नहीं मम्मी, मीठा नहीं, मौसमी काट दू, मौसमी तो मीठी थी। पपीता अभी कुछ काट है। तो गाइस ये जब तक एप्पल फिनिश कर रही है, उसके बाद हम बनाएंगे अब कद्दू, क्योंकि अभी ना आज ना हमारे यहाँ पेंट वाले भैया भी लग चुके हैं, तो वो ऊपर अभी पेंट कर रहे हैं, तो काम तो अभी झाड़ू पोछा कुछ होगा नहीं, और हम अभी नहाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो बाथरूम में पेंट कर रहे हैं सबसे पहले। और ये पेंट वाले को देख के ऐसे भाग के नहा कर आई, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया अभी तुरंत के तुरंत ही। मैं नहा लेती हूँ, जल्दी नहा के आती हूँ फटाफट। तो मैं और मम्मा रह गए, बाद में नहाएंगे, और यहाँ मेरे को पिंपल हो गया। और एक गाइस हम बनाने जा रहे हैं गद्दी, तो ये ना फॉर्म बच गई थी हमारी, जब हमने सुबह में काम कराया था, तो उन्होंने न्यू फॉर्म इसके लिए लेकर आए थे वो, तो ये वाली ना सारी हमारी पुरानी वाली है, जो पुराने वाले इन सोफाज के अंदर थी। तो अब इसे हम यूज़ करके अपनी जो सेटी बनवाई है ना हमने, उसकी गद्दी बनाएंगे, और इसमें हेल्प करने वाली है। तो अभी कैसी बनती कैसी नहीं बनती है, तो उसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रोसीजर चलेगा, जैसे जैसे हम करेंगे, मैं आपको दिखाती रहूंगी, ताकि अगर आपके घर में भी आपको ऐसा कुछ बनाना हो ना, तो आप बना सकते। तो गाइस अभी ना ये फैब्रिक जो ये सेटी है ना, इसके लिए हम वो बना रहे हैं, गद्दा बना रहे हैं। तो उसके लिए ना इसका कवर मैं बना रही हूँ अभी, तो पिंक कलर का फैब्रिक हम डिसाइड किया, क्योंकि अंदर है तो दिखेगा, तो ये वाला है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक कपड़ा और आएगा जो अभी हम लेके, तो बस मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊँ कि हमने कैसे कैसे किया है ये। तो हमने भी सिर्फ दिमाग लगा के ना, मतलब जो जो भी इसकी लेंथ और ब्रेथ वगैरह थी, बस लंबा लंबा वाला पार्ट है, और आपको बस ऐसे सिंपली सीधी 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 सिलाई लगाते हुए जाना है। तो गाइस फाइनली हमने गद्दी ये रेडी कर लिया है, और ये चिपकाई से मुझे लग रहा है तो अलग हो गई है। आप पे तो गाइस हमने चिपकाया था ना, आई डोंट थिंक ये चिपका है, ये अलग हो रहा है, बट ठीक है जो भी है, कवर के अंदर जाने के बाद सब जुड़ जाएगा, नहीं होगा तो हम फिर से सिल लेंगे, क्या करेंगे नीचे। तो गाइस अब बारी आई थी जो हमने फॉर्म कट की थी ना, उस पर कवर चढ़ाने की, और ये जो कवर अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे बनाया था, तो इतनी जद्दोजहद लग रही थी ना इसे चढ़ाने में, मतलब क्योंकि ना जो आगे वाला पार्ट था ना, मैंने उसके दोनों कोने कोने के भी सिल दिए थे, तो ना बहुत छोटा सा मुँह रह गया था उसका, और फॉर्म ना काफ़ी मोटी थी और काफ़ी बड़ी थी, जो इसके अंदर जा नहीं रही थी, तो हम दोनों ही लगे पड़े थे कि
कैसे कैसे नहीं, एक तरफ एक बार बस घुस जाए इसके अंदर, क्योंकि साइज तो ठीक था बट जो उसका मुंह था ना सिर्फ वो ही छोटा था, तो अगर मुंह से निकल जाती ना तो फिर वापस तो वो बन ही जाता, कवर के अंदर चला ही जाता। एंड फाइनली हम सफल हुए, एक पार्ट हमने पहले मतलब कर दिया था अंदर, और फिर ये अब दूसरा वाला है जो हम कवर के अंदर डाल रहे हैं इसे। फिर उसके बाद अब देखो ये थोड़ा सा ना लूज रह गया, मतलब हमने बेशक बहुत फिटेड किया था बट हल्का सा लूज है, तो मैं ना सुई से क्या करूँगी इसे ना हल्का हल्का टाइट कर दूँगी, क्योंकि एक साइड तो मुझे मुंह बंद करने के लिए सुई का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मशीन तो इस पर अब चलेगी नहीं। तो गाइस हम खा रहे हैं खाना, और आज खाने में खिचड़ी अचार और साथ में है दही। तो फटाफट से खाना फिनिश करते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको घर में अब क्या चल रहा है। तो गाइस इसी काम में 3 बज चुके थे और फिर अब शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि बीच का पार्ट में शूट नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है क्योंकि बीच में ट्यूशन के बच्चे आते हैं, तो उस टाइम मैं 2-3 आवर शूट नहीं करती वीडियोज़। और अब इसके बाद रात का खाना बना रही हूँ, तो आज बना रही हूँ मिक्स दाल और मसूर की दाल मिक्स करके साबुत। और अब जो टाइम हो रखा है वो हो रहा है 9:20 हो चुके हैं अब ना, तो अभी बस हम खाना बना के मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। तो गाइस खाना अभी बन रहा है, ठीक है, तो इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं एंड इसमें खिचड़ी, तो यहाँ बन रहे हैं चावल और यहाँ खिचड़ी, और यहाँ दूध बॉईल हो चुका है एंड दाल भी हमारी बन चुकी है अभी, और यहाँ कुछ जनता बैठी है, कुछ जनता लेटी है, और कुछ जनता इन्हें बुखार हो रहा है, रात बन गली फटाक से फीवर हो पैर तो ठंडे हो रहे, क्या हो गया। और यहाँ हमारी मौसमी, तो अब मैं खाना खाऊंगी इसके ऊपर ही। तो गाइस खाना आ चुका है, अब हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि गुड़िया दीदी तो सो रही हैं, वो तो खाएंगी नहीं, तो हम लोग ही अब खाना खा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये बहुत तेज़ और रात में मैं फ्री होगी थी खाना खा के, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर किया जाए। तो अभी मैं वो ले रही हूँ वॉलपेपर जो अभी मैंने मंगाए थे ऑनलाइन मीशो से ब्राउन कलर के, तो मैं यहाँ पर लगाने स्टार्ट कर रही हूँ। अब रात के तो मैंने 12 तक यही लगाया वॉलपेपर ही, तो जब इसका फाइनल लुक बन जाएगा तैयार हो जाएगा, क्योंकि वॉलपेपर भी ना ख़त्म हो गया रात में ही, तो अभी और ऑर्डर कर दिया मैंने, जब आ जाएगा तो मैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर कर लूँगी। अगर देखने के लिए थैंक यू।